नमस्कार। आज की हमारी कविता मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ यहाँ से शुरू होती है और कविता का नाम है आत्मपरिचय और कविता को लिखा है हरिवंश राय बच्चन जी ने। आज मैं इस लेक्चर में आपको इस कविता का अर्थ समझा रही हूँ। इसके अन्य वीडियोस देखने के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हैं सारे प्लेलिस्ट के लिंक्स जो हैं दे रखे हैं, तो आप वो देख सकते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि के लिए जग में जो उसका जीवन है वह भार के स्वरूप हो गया है, भार के समान हो गया है, बोझ के समान हो चुका है। लेकिन वो कहता है कि जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कहता है कि मेरे दिल के भीतर ऐसे तार हैं, मेरा मन जो है एक वाद्य यंत्र की तरह है, जिस प्रकार से सितार होता है। तो कहता है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो ताले फेरता हूँ। अपनी सांसों को वह उस वाद्य यंत्र के तार बताता है और कहता है कि मैं तो अपने मन में एक ऐसा यंत्र लेकर के फिरता हूँ जिसमें किसी ने प्यार से आकर के मुझे छू दिया है, मेरे हृदय को छू दिया है और उन्हीं तारों से मेरा जीवन जो है झंकृत हो गया है, प्रेम से परिपूर्ण हो चुका है। फिर वह कहता है कि मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ, मैं तो केवल प्रेम की मदिरा पीता हूँ, क्योंकि मैं असली मदिरा नहीं पीता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे तो जगत में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी ही बातों में खोया हुआ हमेशा रहता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग के गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। संसार किन लोगों की बात करता है, किनको पूछता है, तो कवि यहाँ पर ये कहता है कि संसार तो केवल उन्हीं की पूछताछ करता है, उन्हीं को जानता है जो संसार की बातें करते हैं। लेकिन मैं तो कैसा हूँ, मैं तो अपने जो मन में आता है वही बता देता हूँ, उसी को व्यक्त कर देता हूँ अपनी कविता में। यानी कि कवि का हृदय जो है वो ये कह रहा है कि मैं तो कविता लिखता हूँ और अपने ही बारे में कविता लिखता हूँ। यहाँ पर कवि जो है अपने प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार करता है। यहाँ पर उसने ये नहीं बताया है कि उसका जो प्रेम है वो कौन है, प्रेमिका है या कोई और है या परमात्मा से वो प्रेम करता है, लेकिन यहाँ पर वह खुले दिल से अपने प्रेम को स्वीकार करता है। इस कविता में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है, श्रृंगार रस के आधार पर इस कविता को लिखा गया है। कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, उर यानी हृदय, मेरे मन में उद्गार हैं, कुछ भाव हैं, कुछ भावनाएं हैं जो मेरे पास हैं और मैं हमेशा उन्हें साथ लेकर के चलता हूँ। फिरता हूँ यानी मैं मेरे मन की भावनाओं को साथ लेकर के चलता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मेरे मन में कुछ गिफ्ट्स हैं देने के लिए, उपहार हैं, प्रेम के उपहार हैं जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। है यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। उसकी प्रेमिका भी उसके पास नहीं है तो कहता है कि यह संसार जो है मुझे बिल्कुल आधा अधूरा सा दिखाई दे रहा है, मेरे लिए यह संसार प्रेम विहीन हो गया है और मुझे यह भाता नहीं है, इसलिए मैं सपनों में अपने लिए जो प्रेम है उसे साथ 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 लेकर के रहता हूँ और जो मेरी प्रेमिका है उसके साथ प्रेमिल संसार की मैंने रचना कर रखी है। फिर वह कहता है कि मैं स्नेही सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान कर रहा हूँ। कहता है कि मैं तो स्नेह की सुरा को पी लेता हूँ लेकिन मुझे कभी भी जगत का ध्यान नहीं आता है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। कहता है कि मेरे भीतर जो भावनाएं हैं या मेरी प्रेमिका जो मुझे अभी मेरे पास नहीं है, मैं उसकी याद करके अपने हृदय में एक अग्नि सी जलती रहती है मेरे हृदय में और मैं हमेशा उसमें दहा करता हूँ यानी जला करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। अब उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर हो चुके हैं क्योंकि वो अपने प्रेम की अग्नि में हमेशा जलता रहता है, उसके लिए सुख और दुख कोई मायने नहीं रखता है।
जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों पर मोस्त मस्त बहा करता हूँ। कहता है कि संसार के लोग तो इस संसार से दूर जाने के लिए नाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं, नाव बनाना यानी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो संसार की जो मौज हैं उन्हीं में बहना चाहता हूँ और उसी में मैं मस्त रहता हूँ। मैं अपने प्रेम की मस्ती और उमंग में जीना पसंद करता हूँ। फिर वह कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं मेरी जो जवानी है उसका मैं मेरे भीतर एक पागलपन है और मैं उसे हमेशा अपने साथ लेकर के चलता हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मेरे मन में दुख है, निराशा है, कुछ विषाद भी है, साथ ही मैं ये सब चीज़ें लेकर के रहता हूँ और यही कारण है कि मैं कभी हंसता हूँ कभी रोता रहता हूँ। जो मुझे बाहर हंसा रुलाते भीतर, यानी कि मैं लोगों को दिखाने के लिए हंसता रहता हूँ लेकिन भीतर से रोता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कहता है कि मेरे मन में किसी की याद अभी भी समाई हुई है और इसीलिए मैं लोगों को दिखाने के लिए हंसता हूँ और मेरे भीतर से रोता रहता हूँ। करियत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा गान भुलाना। कहता है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, सभी तरह की कोशिशें हो चुकी हैं लेकिन सच किसी को पता नहीं चला है, सत्य बात कोई नहीं जानता है और संसार जो है क्या नादानी कर रहा है कि जहाँ पर भी धन दिखाई दिया लोग वहीं पर जाना चाहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। कभी यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है इसे। नादानी में वह भूल जाता है कि संसार में उलझ चुके हैं लोग, ये भूल जाते हैं कि वो संसार के जाल में उलझ चुके हैं और कभी उन्हें मूर्ख कहता है। मूर्ख क्यों कहता है कि वो जानते हुए भी कि संसार मिथ्या है इस संसार के लोभ और मोह के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर वो कहता है कि मुझे तो ये नादानी समझ में आ रही है, जिसे समझ में नहीं आई है वह अपनी जाने। तो मैं तो संसार का पाठ सीखने की बजाय संसार को भूलने की कोशिश करता हूँ। मैं और जगह और कहाँ का नाता मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मैं तो कुछ और ही हूँ और जगत कुछ और ही है, मेरा इस जगत से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस प्रकार के जो जगत हैं, जो भौतिक जगत है, जो दिखाई दे रहा है उससे मेरा कोई नाता नहीं है, ये तो मैं रोज़ सपनों में कितना ही बना लेता हूँ और कितना ही मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, कि जो संसार के लोग हैं इस पृथ्वी पर केवल वैभव जोड़ते रहते हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करते रहते हैं, जो आपाधापी है जीवन की उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर वह कहता है कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, कि मेरे लिए ये जो लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, ज़मीनों के पीछे भाग रहे हैं, वो कोई मायने नहीं रखती है, मैं तो ऐसी ज़मीनों को हमेशा ठुकराता रहता हूँ, मेरा कोई ऐसा लालच इससे जुड़ा हुआ नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं तो रोता हूँ तो भी उसमें राग है। किसकी राग है? उसके प्रेम की राग है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, कि मेरी आवाज़ जो है वो शीतल है लेकिन मैं भीतर से जल रहा हूँ तो उसमें एक अग्नि भी है। हो जिस पर भूपों की प्रसाद इछावर, कि मैं तो अपने प्यार पर कितने सारे राजाओं के महल न्योछावर कर सकता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कहता है कि मेरे भीतर एक खंडहर है और उस खंडहर का भाग मैं हमेशा अपने मन में लेकर के इधर उधर चलता रहता हूँ और मेरा जो प्रेम है उस पर तो मैं अपने बड़े बड़े जो राजाओं के महल हैं अगर मेरे पास होते तो वो भी मैं न्योछावर कर देता, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ खंडहर है, खंडहर बाकी है, टूटा हुआ महल बचा हुआ है। उसके बाद वह कहता है कि यहाँ पर देखिए
फिर वह कहता है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, और कहता है कि मेरा प्रेम जो है मुझे मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं दीवाना सा हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कि दीवानगी जो है उसके अंदर प्रेम के प्रति दीवानगी जो है बस वही बची हुई है, निशेष यानी संपूर्ण, केवल उसके पास क्या है उसका जो दीवानगी है वही है। और जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इतना कि मेरे पास तो बस एक ऐसा संदेश है जो मैं हमेशा लेकर के लोगों को बताता रहता हूँ, और मेरे संदेश सुन करके लोग झूमते हैं, झुकते हैं, लहराते हैं, और वही मैं मस्ती का संदेश लोगों को दिया करता हूँ। मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं लोगों को मस्ती का संदेश दूँ। यह कविता जो है मैंने आज आपको इसका भाव बताया है, अर्थ बताया है इसके। मैं भाव सौंदर्य के और जो है शिल्प सौंदर्य के जो क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ जाते हैं थोड़ी सी उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रही हूँ। तो यहाँ पर भाव सौंदर्य क्या है कि किस भाव से कविता को लिखा गया है। यहाँ पर प्रेम को खुले शब्दों में स्वीकार किया है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति, दो तरह के भाव हैं इसमें। और अगर बात करें शिल्प सौंदर्य की, तो शिल्प सौंदर्य में गीत की भाषा आ जाती है। गीत की भाषा यहाँ पर कैसी है, मस्ती, मादकता, कोमलता और मधुर है। भाषा का प्रवाह निर्झर के समान है, यानी कि उसमें कोई अवरोध नहीं है, बाधा नहीं है, सहज भी है और संगीतात्मक भी है, उसे गाया भी जा सकता है। इसमें उमर खयाम जो लेखक हैं उसकी रुबाइयों की जैसी मस्ती है, और झूमे झूम झुके में अनुप्रास अलंकार है, दो बार रिपीट हुआ है, झै झै जो वर्ण है वो दो बार रिपीट हुआ है। तो इस तरह से इस कविता के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की अगर हम बात करें तो हर पैसेज में यही भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपको आप लिख सकते हैं। अगर वैसे तो सबका अलग अलग है भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। अगर आपको इस कविता से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।